फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन एक्ट्रेस मुस्कान मिहानी के साथ। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में वे हमेशा से नजर आई हैं, अब वे मोहब्बत के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं, दिल देखे देखो में। तो चलिए बातें करते हैं मुस्कान के साथ। मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू। सबसे पहले आपको बता दूं, 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं, आपके फैंस आपकी आवाज सुन रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता लेकर सबसे पहले कुछ कहना हो, क्या कहेंगे? कोलकाता की मिठाइयाँ बहुत फेमस है ना, तो आई एम श्योर पीपल आर वेरी स्वीट देयर और यार अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कोलकाता आना नहीं हुआ अभी तक? मैं आई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दो शो की, और मैंने वहाँ की बहुत मिठाइयाँ लेके मैं घर भी गई हूँ। सौंदेश और सारी मिठाइयाँ, मुझे बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मुझे बताइए, आपको हमने बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स में हमेशा से देखा है, रिंग रॉन्ग रिंग में आप नजर आए, दिल देखे देखो में नजर आ रही है, तो कुछ कहना चाहेंगी अभी तक के सफर में? कितना सफर करना पड़ा आपको? सफर में सफर नहीं किया, मजा ही आया है यार। सबकी जी के साथ जितने भी शो किए, हर शो में थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर रहा है, और अभी जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ वो मोहब्बत है। तो बहुत अदाओं से बात करती है, यू नो शी इज वेरी क्यूपिड, शी इज अ क्यूपिड, वो क्यूपिड है, कैरेक्टर उसका नाम मोहब्बत है। तो मेरे लिए ये तो बहुत ही डिफरेंट है। शायराना अंदाज में बात करती है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, तो आई एम श्योर लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और काफी लोगों को पसंद आएगा। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जो शिफ्टिंग होती है, जो शूटिंग की जो टाइमिंग होती है, वो एक जैसी नहीं रहती है, तो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट शिफ्ट हो, सबसे डिफिकल्ट कौन सा शिफ्ट होता है आपके लिए? मेरे लिए पर्सनली आई थिंक नाइट शिफ्ट, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो मैं जैसे ही मौका मिलता है मुझे लगता है मैं शूटिंग पैकअप करके अपने बेबी के पास जाऊँ। तो नाइट शिफ्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, दिन निकल जाता है, रात नहीं निकल। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अगर आपके साथ इतने सारे जो आपने रोल्स अभी तक किए हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको काफी चैलेंजिंग लगा था? चैलेंजिंग आई थिंक जुगनी भी था, लेकिन बहुत मजा आया जुगनी करते ना, लगता नहीं था शूटिंग कर रही हूँ। एंड डॉक्टर सपना जिम मिल गए, वो मेरा फेवरेट रोल था। क्या बात है, आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान यही है कि कुछ डिफरेंट और चैलेंजिंग रोल्स करना चाहूंगी, मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया, सो आई वुड लव टू ट्राई दैट। तो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट अभी भी है लाइफ में, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, सो बट आई ट्राई कि कोई अच्छे रोल्स आए तो आई डेफिनेटली गो फॉर मीटिंग्स एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, लेकिन मुझे बताइए कि जब आप घर से निकलती हैं, तीन ऐसी चीजें जो मुस्कान के पास हमेशा रहती हैं निकलते समय घर से? छोटी साईं बाबा की मूर्ति जो मेरे पास हमेशा रहती है, बिकॉज आई एम अ साईं बाबा बिलीवर, और मेरा सनस्क्रीन रहता है, और लिप बाम। क्या बात है, क्या बात है मुस्कान, अभी आपको लोग सुन रहे हैं, कोलकाता के फैंस आपको सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे, आपके फैंस क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को सबसे पहले ही कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच कि मुझे हर रूप में, हर रोल में आपने एक्सेप्ट किया है, प्यार किया है। तो प्लीज 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 देखिए, दिल देखे देखो, मोहब्बत एज मोहब्बत ऑल्सो मुझे उतना ही प्यार कीजिए, मुझे आपकी मोहब्बत की बहुत जरूरत है। So please watch this show. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुस्कान, फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। काफी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी आप कोलकाता एक बार फिर से आए, मैं आपको स्टूडियो में बैठा के संदेश खिलाऊंगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिल देखे। थैंक यू सो मच। मिलिए थी हमारे साथ एक्ट्रेस मुस्कान मिहानी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। सुनते रहो, साथ रहो।